नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी। अभी हम अरवल भाग दू में, यानी अरवल भाग दू में एक बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लेडीज हैं, जो समाज में चल के काम करते हैं, और अभी जिला परिषद भाग दू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो क्षेत्र में चल रहे थे, हम भी चल रहे थे, बात हो गई तो बोले कि क्या आपका मैनिफेस्टो है चुनाव लड़ने के लिए, कि आप सोच के चुनाव में आ रहे हैं, उस सारे मुद्दा पर हम उनसे चर्चा करेंगे। आप अपना परिचय देंगे। मैं चंदा कुमारी, घर पिपरा बंगला। आप क्या सोच के राजनीतिक में आ रहे हैं? मैं जनता के गरीबी दूर करने के लिए आ रही हूँ। तो आप क्षेत्र में चल रहे हैं, क्षेत्र के जो समस्या है वो आप देख रहे हैं, तो कैसे आप दूर करेंगे उस समस्या को? मैं जनता के बीच में विकास, गरीबी दूर, शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या को सिर लेकर समाधान करना चाहती हूँ। ये चुनाव जीतला के बाद करेंगे कि चुनाव न जीतला के बाद भी करेंगे? सर, मेरा तो यही उद्देश्य है कि चुनाव का पहले भी जीतना हो, मुझसे जितना प्रकाशित शिक्षा है मैं प्रकाश देकर उजागर करूं, उज्जवल भविष्य बनाऊं, और जीतने के बाद भी मैं लोगों के बीच में पूरा दिल निछावर से मैं लोगों का लाभ तक पहुंचाऊं। अच्छा, आप शिक्षा के बात किए तो आप बताएंगे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी प्लस कंप्यूटर कोर्स। देखिए, इनका शिक्षा के अथी है कि इसे बीएससी करके कंप्यूटर भी कोर्स किए हैं, और एक पढ़े लिखे हैं, जो समाज में चल रहे हैं, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, फिर भी समाज के बीच रहेंगे। क्या आप समाज के बीच में रहेंगे? जी, समाज के बीच में रहूंगी, रह रही हूँ, आगे भी रहने होंगे। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो अभी जो महंगाई चल रहा है, जैसे बहुत से घरों में जो अभी जो उज्ज्वल गैस योजना लिया गया, गरीबों के बीच में बांटा गया, क्या उन गरीबों का बारे में भी आप जानते हैं कि इसे उनका गैस भरा रहा है कि नहीं, उस पर क्या कहेंगे, महंगाई पर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि हमारे गरीब जो मजदूर लोग हैं, उनका जो शैली है कमाने का, महंगाई की वजह से वो गैस तो सरकार मेरा आपूर्ति कर दिया, मगर वो मंथली में आपूर्ति भरपा नहीं कर रहे हैं। इनको खाने के लिए रोजी रोटी नहीं हो रहा है, रोटी कमाने का तरीका सिखाया जाए, उन्हें बताया जाए, तब तो वो गैस आपूर्ति हर मंथली कर पाएंगे। अभी मैं अरवल बिहार में, हमारे अरवल डिस्ट्रिक्ट वार्ड टू में गरीबी दूरी नहीं हुई है, गरीबी देख रही हूँ, गरीबी है, हर नागरिक को जागरूकता होगा गरीबी दूरी करने के लिए। आप चुनाव जीत के आप अपना कुछ रोड मैप बनाए थे, इस तरह से विकास करेंगे? जी, मैं चुनाव जीत कर मंदिर और मस्जिद में स्कूल काटे। आप चुनाव जीत करते हैं, जब क्षेत्र में जाएंगे तो जो क्षेत्र की समस्या है उस पर आप क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? मैं चुनाव जीत कर लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के माध्यम से विकास का लाभ पहुँचाऊंगी। आप जब चुनाव जीत के जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का जो समस्या है, जो बुनियादी समस्या है, उस पर आपका क्या सोच है कि हम इस तरह से काम करेंगे? शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था है जो हमारे विकास का मूल प्रावधान है। यानी आप शिक्षा पर काम करेंगे, स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे। देखिए, ये हैं अरवल भाग टू के चंदा जी, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं जिला परिषद के। पहले इनका मुख्य मुद्दा है कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर हम काम करेंगे, यानी शिक्षा पर ही हम काम करेंगे। शिक्षा ही अधिकार है, शिक्षा से हर चीज़ को दूरी कर सकते हैं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा विभाग हो, रोजगार हो, गरीबी हो, शिक्षा से ही हर चीज़ समस्या का समाधान है। शिक्षा से ही सब समस्या का समाधान है। चलिए, आप देख रहे थे बीआरजे टीवी, जनता की आवाज। मैं अखिलेश कुमार, सहयोग विकास कुमार। जय भीम।